नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं महिलाओं से जुड़ी एक गंभीर समस्या के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। ये पीसीओएस होता क्या है, क्यों होता है, किन महिलाओं को ज्यादा होता है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसकी क्या लक्षण दिखते हैं, आज मैं इन सबके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो पे बने रहें और मेरे वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे आपको आखिरी में इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पता लगेगा, जो कि आपको इस बीमारी से निजात पाने में, मतलब इस बीमारी को ठीक करने में बहुत ही कारगर साबित हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा मिलती रहे और मेरी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन हमेशा टाइम टाइम से मिलती रहे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। PCOS होता क्या है? ये महिलाओं में एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती है, जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम महिलाओं में मेनली ओवरी में अफेक्ट करता है। ओवरी में, जहाँ पे अंडा बनता है, जहाँ अंडकोश होता है, वहाँ पे ये बीमारी होती है। इस बीमारी को सबसे पहले 1935 में पता लगाया गया था, जो कि दो साइंटिस्ट की मदद से पता लगाया गया था, जिनका नाम है स्टीन एंड लिवेंथल। इसलिए PCOS को हम स्टीन एंड लिवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं। अब जानते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है, ये क्या क्या इंडिकेशंस देता है। PCOS वो होता है जब हमारा ओवरी जो होता है, ओवरी में अगर जो पेरिफेरल पार्ट, मतलब किनारे किनारे का एरिया होता है, वहाँ पे अगर जो सिस्ट बनने लगते हैं, सिस्ट मतलब एक गांठ टाइप का बनने लगता है, और वो गांठ ज़्यादा बनने लगता है, किनारे किनारे ढेर सारे 9 से 12 या 12 से ज्यादा गांठ बन जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली मतलब ढेर सारे, सिस्ट मतलब छोटे छोटे गांठ, और ओवेरियन मतलब ओवरी में, और सिंड्रोम मतलब बीमारी। ये सारे कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं, अगर हमें लैप्रोस्कोपी या फिर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में ये हमें देखने को मिलता है, तो हम उस कंडीशन को कह सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आइए देखते हैं कि लैप्रोस्कोपी की मदद से ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम दिखता कैसे है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो ओवरी है उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन गए हैं, छोटे छोटे गांठ बन गए, जो बाहर से उभरे हुए दिख रहे हैं। अगर इनका मात्रा जो ओवरी में 12 से ज्यादा हो जाए, तो हम उस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कह सकते हैं। ये जो बीमारी होती है, इसमें जो ओवरी होता है उसका स्ट्रोमा भी बढ़ जाता है और उसके अंदर फ्लूइड भी बढ़, मतलब अंदर का एरिया भी बढ़ने लगता है, ओवरी थोड़ा साइज में बड़ा होने लगता है और अंदर का फ्लूइड भी बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे, डॉक्टर कैसे पता लगाएगा कि उसको ये बीमारी है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन देता है। तो पहला जो हो गया वो हो गया एन ओवल्यूशन, मतलब महिला को ओवल्यूशन नहीं होता है, महिला को मासिक नहीं आता है, कभी कभी महिला का जो पीरियड होता है वो भी खत्म नहीं होता है, एमेनोरिया हो जाता है, ओलिगोमेनोरिया हो जाता है, उसको पीरियड ही नहीं आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आती है उसकी। और दूसरा कंडीशन हो गया जब महिला को हर्सुटिज्म हो जाता है। हर्सुटिज्म मतलब हो गया कि मेल लाइक उसके दाढ़ी मोछ चेस्ट पे हेयर निकल आते हैं। जिन महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, उनको दाढ़ी और उनके चेस्ट पे बाल निकल आने लगते हैं। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या नहीं है। और दूसरा चीज हम बात करेंगे कि जो महिला होती है उसके यहाँ पे नेक रीजन पे, बैक साइड नेक पे, या फिर यहाँ पे, या फिर उसके आर्म पिट पे, मतलब एक्जिला पॉइंट पे, या फिर नेक रीजन पे, वहां पे ब्लैक ब्लैक कलर का पिगमेंट जमा होने लगता है, ब्लैक ब्लैक पिगमेंट जमा होने लगता है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं एकेंथोसिस नेग्रिकेंस। अगर महिला को यहाँ पे नेक रीजन पे, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ऐसे धागेदार मोटा धागा की तरह अगर ब्लैक ब्लैक पिगमेंट जमा होने लगे, या फिर उसके एक्जिला पॉइंट पे पिगमेंट जमा होने लगे, गोनेड्स पे पिगमेंट जमा होने लगे, तो भी हम महिला को कह सकते हैं कि महिला इस कंडीशन से जूझ सकती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित हो सकती है। अब हम आगे बात करेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो पहला क्लिनिकल फीचर हो गया उसके दाढ़ी मोछ निकलने लगते हैं, चेस्ट के हेयर निकलने लगते हैं। दूसरा, उसमें ब्लैक कलर का पिगमेंट जमा होने लगता है नेक रीजन पे, एक्सिला रीजन पे, या फिर प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट एरिया में ब्लैक कलर का पिगमेंट जमा होने लगता है।
तीसरा चीज हो गया कि महिला का जो वेट है वो भी ज्यादा बढ़ने लगता है जब महिला अपना ओवरवेट हो जाए। ये ओवरवेट जो होता है, जो महिला मोटी होती है उनमें अधिकतर बीमारियां पाई जाती है, तो ये केस भी उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है अगर महिला का वेट ज्यादा है, अगर महिला ओबेज है, ओबेसिटी महिला कॉज कर रही है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए। इसका इन्वेस्टिगेशन मतलब इसको पता कैसे लगाया जाए कि हमको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या नहीं है। तो पहला चीज हो गया ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी से भी हम पता लगा सकते हैं कि महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या नहीं है, क्योंकि उससे हम ओवरी को देखेंगे, वहां पे सिस्ट पाया जाएगा, वहां पे ओवरी जो है वहां पे व्हाइट कलर का अपीयरेंस होगा, तो हम पता लगा सकते हैं कि महिला पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित है। दूसरा चीज ये हो गया कि उसके सीरम में LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा FSH के कंपेरिजन। LH और FSH ये दो हार्मोन होते हैं जो हमारे मेनली रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दो हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से सेक्रेट होते हैं। ये जो LH होता है ये FSH के कंपेरिजन दो गुना हो जाता है, मतलब 2:1 के रेशियो में बढ़ जाता है। जब LH बढ़ जाता है, LH मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मतलब एंड्रोजन, एंड्रोजन मतलब मेल लाइक कैरेक्टर। अगर एंड्रोजन बढ़ेगा तो मेल लाइक कैरेक्टर आएगा, मेल लाइक कैरेक्टर आएगा मतलब LH जब बढ़ेगा तो जो महिला होती है उसमें मेल लाइक कैरेक्टर का अपीयरेंस होने लगता है। ये एक कंडीशन हो गया PCOS का। दूसरा कंडीशन ये है कि ईस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा इन्वेस्टिगेशन है कि लैप्रोस्कोपी की भी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि महिला PCOS से ग्रसित है या नहीं है। ये सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं। PCOS मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस कंडीशन में महिला को एनोवुलेशन मतलब ओवुलेशन नहीं हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो पीरियड है उसका एब्सेंट हो सकता है, उसके बाद जो महिला है उसको दाढ़ी मोच हर्सुटिज्म निकल सकता है, चेस्ट पे हेयर निकल सकता है। चौथा साइन जो है उसको एकेंथोसिस नेग्रिकेंस हो सकता है, मतलब ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन हो सकता है नेक रीजन पे, एक्सिला रीजन पे, प्राइवेट पार्ट में। पांचवा कंडीशन ये है कि जब उसको लैप्रोस्कोपिक अगर हम टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे जो ओवरी होता है वहाँ पे वाइटिस अपीयरेंस होने लगता है, ऊपर की तरफ छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं। और अगर ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी होता है तो भी हम पता कर सकते हैं कि महिला PCOS से जूझ रही है या नहीं है। PCOS की कंडीशन में महिला बच्चा पैदा करने में भी मुश्किल आती है। अब हम कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे जो PCOS की कंडीशन को ठीक करने में रिस्पॉन्सिबल है, जो PCOS की कंडीशन को धीरे धीरे अगर आप दवा को कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये PCOS बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगी। आइए जानते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली होम्योपैथिक दवा है ओफोराइनम। ओफोराइनम दवा तब दिया जाता है जब महिला का जो ओवरी होता है वहाँ पे सिस्ट बनने लगता है और उसके साथ जो एग होता है मतलब महिला का जो अंडा होता है वो ठीक से नहीं बनता। अगर वो नहीं बनता या फिर वो ठीक से नहीं बनता, प्रॉपरली नहीं बनता, तो हम ओफोराइनम 3x में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात में, या फिर 3 से 4 टाइम एक दिन में दे सकते हैं। ये दवा आपको 1 महीने से 1.5 महीने कंटिन्यू करना है। ये आपके एग को बनाने में, एग को नॉर्मल वे में बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगी और ओवेरियन सिस्ट को भी दूर करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। दूसरी दवा के बारे में बात करेंगे तो दूसरी दवा का नाम है ऑरम आयोड। ऑरम आयोड भी ओवेरियन सिस्ट में मतलब जब ओवरी में सिस्ट बन जाता है या ढेर सारे सिस्ट बन जाते हैं तो ऑरम आयोड 30 पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात में ले सकते हैं। ये सारी दवाएं आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। अब हम तीसरी दवा के बारे में बात करेंगे। तीसरी दवा का नाम है पूजा। पूजा को आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह खाली पेट लीजिए, ये करीब 1 से 1.5 महीने तक यूज करिए। ये दवा भी आपको ओवेरियन सिस्ट में, ओवेरियन सिस्ट को दूर करने में बहुत ही मददगार साबित है। अब हम अपनी आखिरी दवा का बात करेंगे। आखिरी दवा का नाम है साइलेशिया। साइलेशिया को आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात में डायरेक्ट टंग पे आप ले सकते हैं। ये सारी दवाएं आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। साइलेशिया भी आपकी ओवराइटिस में या फिर सिस्ट
जो आपके ओवरी में हो गया है उसको दूर करने में बहुत ही लाभदायक साबित होगी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मदद मिले। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा और मैं ऐसी वीडियोस हमेशा लगातार लाता रहूँगा। धन्यवाद।